तो आइए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। पर्टिकुलरली सिंह राशि वाले राजनीतिज्ञ जो हैं अच्छे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। संख्या जो है वो लाभ की बढ़ती जा रही है और जिन स्त्रियों और पुरुषों की शादियां नहीं हुई उनके लिए भी सुंदर माहौल बना हुआ है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। और जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको नौकरी मिल सकती है। सिर्फ क्या करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उपयोग करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। साथ में आज भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके भगवान शंकर के की पिंडी के ऊपर एक कमल पुष्प जरूर अर्पित करें। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए दिन 70% उत्तम तभरा, मैरून कलर का इस्तेमाल और भाग्य अंक है 8। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले आज थोड़े तिलमिलाए रहेंगे, क्रोध जल्दी आ जाएगा, किसी से नोक झोंक आर्गुमेंट हो सकती है आपकी, मगर ये नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार सुबह सुबह उठकर माला जाप कर लें, अपने आप मन को संतुष्टि मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आया हुआ लाभ, आया हुआ मौका आपके हाथ से निकल सकता है। ऑन द होल शिक्षकों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए दिन बुरा नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है, मगर क्रोध को नियंत्रण में रखें और वाणी को नियंत्रण में रखें, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, वो लग जाते हैं। 60% उत्तम तभरा दिन, हरे पिस्ता रंग, पिस्ता कलर का हरे रंग का इस्तेमाल करें और आज का भाग्य अंक है 9। आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करते हैं। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी है और धन स्थान पर बैठे हुए 3 ग्रह सूर्य शनि और बुध कहीं ना कहीं धन के आगमन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर इसको खोलने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तुला वृश्चिक और धनु के ऊपर सारे सती भी चल रही है। मित्रों, अच्छी नियत ईमानदारी रखेंगे और परिश्रम करेंगे तो काम बनते रहेंगे। फिलहाल आज का दिन जो है 60% उत्तम दबरा दिखाई देता है, नीले रंग का उपयोग करें, ब्लू कलर, और आज का भाग्य अंक है 10। आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। बहुत से चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप सोच रहे होंगे कि वृश्चिक राशि के ऊपर ये उत्पात योग बना हुआ है, सूर्य और शनि का विष योग, बुध और सूर्य का बुद्धादित्य योग, कहीं ना कहीं मंगल और शनि का षडाष्टक योग, तो क्या किया जाए। बड़ी सिंपल बात है, अपने माता पिता को प्रणाम करें, क्योंकि मातृ पितृ ऋण जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऋण है, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, ये साथ चाहता है। आपके कर्मों के सबसे बड़े फल आपकी माता पिता की सेवा है, उनकी सेवा करें, अपने आप ग्रह दशा शांत हो जाती है। थोड़ा खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें, व्यापारियों से अनुरोध है अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं, स्त्रियों से अनुरोध है कि अनैतिक संबंधों को त्याग दें, इवन पुरुषों से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस माहौल में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। 40-50% उत्तम तभरा दिन, भगवान विष्णु की आराधना, लाल रंग और आज का भाग्य अंक है 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। साई और गुरु इनकी राशि है तो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, बेशक साढ़े सती है, मगर आज का मंगलवार मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा, चैरिटी के कामों में आपका ध्यान लगेगा, व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, स्त्रियों को कोई नया काम शुरू करने के योग बने हुए हैं, कौटुंबिक समस्याएं खत्म हो गई हैं, घर में खुशी का वातावरण, बेटी और बेटे की शादी के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर 80% उत्तमता भरा दिन, आज मंगलवार का सबसे बढ़िया राशि, इट इज द बेस्ट राशि ऑफ द डे टुडे। तो पीले रंग का उपयोग करें, साथ में 8 नंबरों का उपयोग करें, लाभकारी होगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात करते हैं। शनि देव की राशि है, चारों दिशाओं से धन के लाभ के योग बने हुए हैं, मित्र नहीं बनते थे, मित्र बनने शुरू हो जाएंगे, कहीं पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी आपके सामने आकर आपको लाभ देगा,
भक्ति और शक्ति से भरपूर आज का मंगलवार आपके लिए शुभ कारक माना जा रहा है। यहाँ काम करते हैं वहाँ लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे, कोलीग्स की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, व्यापारियों के लिए भी धन लाभ के योग हैं। मगर 4 बजे के बाद कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट स्पीक टू मच। कुल मिलाकर 70% उत्तमता भरा दिन काले रंग का यानी ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें और साथ में 8 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात करते हैं। शनि के दोनों घर मकर और कुंभ व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। समस्याएं हैं मगर उनके समाधान भी हैं। कोर्ट कचहरी का मैटर है मगर उसमें तो सफलता आप ही को मिल रही है। आपके विरोधी आज पस्त हो जाएंगे, शत्रु खत्म हो जाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी मगर इनसिक्योरिटी, जो असुरक्षा आपके मन में है, वो खत्म नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं घर किए हुए हैं क्योंकि सूर्य आत्मा है और उसके साथ में शनि आपकी राशि का स्वामी बैठा हुआ है। माता और पिता की सेहत का ध्यान रखें। कुल मिलाकर 60-65% उत्तमता भरा दिन आकाशी कलर स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और आज का भाग्य अंक है 11। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए भी दिन ऑलमोस्ट उत्तमता भरा दिखाई दे रहा है। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। समस्याओं के समाधान अपने आप हो रहे हैं क्योंकि आज भगवान की कृपा आपके ऊपर क्योंकि गुरु की आपकी राशि है। मीन और धनु ये दोनों गुरु की राशि है। भगवान का नाम आप लेते हैं, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है, तो किसी भी चीज की चिंता नहीं है। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई बाल, न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जब प्रभु की कृपा हो तो फिर आपको चिंता ही क्या है। 80% उत्तम तफरा दिन सिल्की ब्लू कलर का यानी थोड़े चमकते हुए कलर पहना करें आप, आपको अच्छे रहेंगे और कभी कभी डायमंड भी पहन सकते हैं। आज के अंक की बात करें तो आज का भाग्य अंक है 3। तो मित्रों ये वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 12 राशियों का समावेश और कल बहुत ही सुंदर बुधवार है। कल एक तो पूर्णिमा का मुहूर्त शुरू हो रहा है और दूसरा सदगुरु नानक प्रगटयो मिटी तुंद जग चानन होयो, यानी नानक गुरु नानक की जयंती भी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तब तक देखते रहिए जय महाराष्ट्र और राज ज्योतिष। नमस्कार।